हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है वीक वन का लास्ट डे और सुबह के 9 बज गए हैं। यहाँ मैं आज सैटरडे है तो 3 ग्लास पानी अभी तक पी चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको जो मेरा लास्ट डे गया है उसके बारे में बता दूँ। उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही बेकार हुई हैं, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल का जो दिन था उसमें आप देख सकते हैं मैंने 10 ग्लास पानी पिया और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा पिया, और ये हुआ है मेरा इस 6 दिन में पहली बार जो मैंने एक्स्ट्रा पानी पी लिया। वो इसलिए क्योंकि मैंने शायद सुबह उठते से ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था पानी पीने में। तो ये तो रही बात पानी की, और तो अब करते हैं बात खाने की। तो मैंने कल पूरा दिन मूंग दाल का चीला और मैंगो, इसी को पूरा दिन मैंने फॉलो किया था। तो मूंग दाल के चीले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत हुई है 2 चीज़ों से। एक या तो वो मैंगो हो सकता है या फिर वो चटनी, मूंगफली की चटनी जो मैंने मूंग दाल के चीले के साथ खाई थी। तो इन दोनों में से कोई एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वेट जो था वो जिस गति से कम हो रहा था तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो मैं आपको वो वेट दिखाती हूँ कि मेरा वेट क्या है, और उसके बाद मैं बताती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में आज क्या खाया है। तो आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो है होल व्हीट ब्रेड के साथ वेजिटेबल सैंडविच। और इसमें जो मैंने डाला है ना, मेरे पास ज़्यादा कोई सब्जियाँ नहीं थी तो मैंने प्याज, टमाटर और खीरा यही चीज़ डाली है, और इनकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। मेरे ख्याल से 10-10 ग्राम या 15 ग्राम होगा, तो उसमें तो क्या ही कैलोरी होगी, पर जो भी होगी वो इस ब्रेड में होगी। इस ब्रेड का जो टोटल वेट था वेजिटेबल स्टफ़ करने से पहले वो था 180 ग्राम, और ये घर का बना हुआ ब्रेड है, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें मैं चीज़ नहीं डाल सकती थी, मेयोनीज़ नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने ये इसको पनीर के साथ बनाया, और इसको मैं खाने वाली हूँ फ़िलहाल ऐसे ही बिना कोई चटनी के। अगर आप मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं तो उसमें आप इस चीज़ से निश्चिंत ना रहें कि वो होल व्हीट ब्रेड है तो उसमें मैदा नहीं होगा। घर के ब्रेड में आप जब खुद बनाते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें मैदा ना डालें, आप पूरे आटे से बनाएं, हो सकता है सॉफ्टनेस में थोड़ी सी कमी हो, पर आप श्योर रह सकते हैं कि आपने आटे का ही, जो गेहूं का आटा है उसी का ब्रेड बनाया है। तो यहाँ जो मैंने ब्रेड बनाया है उसमें ओट्स और गेहूं का आटा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आने वाली वीडियो में इसकी रेसिपी बता दूँगी, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। सुबह का ग्रीन टी मेरा स्किप हो गया है, तो अभी मैं कर रही हूँ लंच, और लंच में मैंने लिया है घर का बना हुआ पनीर बटर मसाला जो मैंने बटर में नहीं घी में बनाया है। और आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ पनीर लिए हैं, उसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं ली है, साथ ही हल्की सी एक रोटी और खीरा। तो यहाँ पे आज का जो मेरा दिन है लास्ट वो फिनिश हो गया है, और डिनर में मैंने खाया था 2 ब्रेड प्लस पीनट बटर, तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई, वो मेरे से स्किप हो गया। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए डाइट प्लान के साथ, नए ड्रिंक के साथ जो हम मॉर्निंग ड्रिंक या फिर मिड स्नैक्स में लेने वाले हैं। तो कल से शुरू करेंगे कुछ नया, और कल से मेरा वेट भी नया होगा, और हम इंचेस भी चेक करेंगे हमारे कि इंचेस भी कुछ कम हुए या उतने ही हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट।